नमस्कार, मैं शालिनी। सबसे पहले तो आप सभी को नेक्स्ट नाइन न्यूज की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, वजह ये भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार अब दलितों से जुड़े, किसानों से जुड़े, यहाँ पर देखा जाए तो कमजोर वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में बांदा में सामाजिक न्याय सम्मेलन से लौटते समय यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की राजनीति की जा रही है, ये सही नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भाजपा के विधायक राजेश ने मायावती को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मायावती मुख्यमंत्री बनी थी और वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया था, भारतीय जनता पार्टी से ये गलती हो गई। ऐसे में इस बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण भड़कते हुए नजर आए। यहाँ पर उनके शब्द भी बदलते हुए नजर आए और ये बोलते नजर आए कि इस तरीके के जो विधायक हैं, इनको तो चप्पलों से पिटवाना चाहिए। इस तरीके का बयान वो देते हुए नजर आए। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बांदा में यहाँ पर बीबी मंडल और रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय सम्मेलन बांदा में आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन से वापस लौटते हुए ये सारे जो बातें हैं वो मीडिया से करते हुए उन्होंने कही। इस पर वो और कुछ क्या बोले हैं, सुनिए। उसके बाद आज मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से, क्योंकि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल जी की जयंती भी है, उन्हीं की जयंती के अवसर पर मामना रामसूर वर्मा जी के, इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हालात चल रहे हैं उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पर तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जाति के लोगों के प्रतिनिधि को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझे, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के, कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी, हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण ये कहते दिखाई दिए कि अब ये जो दलितों के, किसानों के अधिकारों
क्या दमन करने वाली जो राजनीति हो रही है ये सही नहीं है। यहाँ पर महिलाओं की हत्या की जा रही है, रेप किया जा रहा है, बार बार ये जो आपराधिक घटना है ये सामने आ रही है। इससे साफ पता चलता है कि जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर वो हमला साधते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है उसके समर्थन में वो नहीं है। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावड़ अब भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी या फिर जनता का समर्थन आने वाले इन जो विधानसभा सीटों पर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें उन्हें फायदा मिलेगा। और जो 2027 विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में जहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर आजाद समाज पार्टी को कितना फायदा होता नजर आएगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।